हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में प्यारे साथियों, हम सभी इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इंग्लिश में आज जो एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है नाउन। तो पिछली क्लासेस में मैंने ओवरऑल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, तो होपफुली आपने वो वीडियो देख लिया। तो आज इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे नाउन के बारे में, और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ इसमें प्रैक्टिस कराता चलूँगा। तो आप इसके साथ क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने साथ नोटबुक जरूर लेकर बैठें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं भी यहाँ पर लिखकर ही पढ़ाऊँगा, ये मेरा मानना है। और दूसरी चीज़, अगर आप नहीं लिखते हो, अगर आपको पढ़ने का ही शौक़ है, नहीं लिखने का शौक़ है, तो मेरा मानना है आपको नोट्स जो है ना, वो डिक्टो क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ वही मिले हुए हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है स्लो है तो आप 2x की स्पीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है हमारा नाउन, ठीक है। तो आप क्लास में एंगेजमेंट जरूर रहेंगे, आप ये समझिए कि बिल्कुल मतलब मेरे साथ ही ऑफलाइन बैठे हुए, ठीक है। तो नाउन की अगर हम बात करें, सबसे पहला सवाल यही आता है नाउन है क्या। तो मैंने इंट्रो में आपको वैसे बताया था नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम नाउन की बात करें, तो नाउन की अगर मैं बात करता हूं, तो नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा, नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। हिंदी मीडियम को भी साथ लेके चलूंगा, और आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको देखना है, क्योंकि भाई एग्जाम आपके पास भले ही इंग्लिश मीडियम से हो आप, लेकिन चीज़ें तो समझनी है आपको, ठीक है। तो नाउन क्या है, एक नेम ऑफ एनीथिंग, यानी हम कह सकते हैं किसी भी चीज का नाम क्या है, नाउन है। तो किसी भी चीज का नाम क्या है आपका, नाउन, ठीक है। तो किसी भी चीज का नाम नाउन है। तो सिंपल सी अगर वन वर्ड की अगर मैं बात करूं, तो आप कह सकते हो नाउन क्या है, नाउन क्या है भाई, नाउन है आपका एक नेमिंग वर्ड है। तो नाउन क्या हो जाएगा आपका, नाउन क्या हो जाएगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सिंपल सी, साधारण सी, बस इतनी सी परिभाषा या डेफिनेशन हम कह सकते हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि अमूमन परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है ये क्वेश्चन। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा आता है वो इस तरीके से एक सेंटेंस लिख के दे देगा, अंडरलाइन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अब जो मैं बता रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, अगर हम बात करें कि भाई नाउन की पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, हिंदी वाले लिखेंगे नाउन की पहचान कैसे करेंगे, नाउन की पहचान। तो नाउन को पहचानने के लिए क्या करोगे आप, ठीक है, इसी तरीके से लिख लीजिए। नाउन को पहचानने के लिए क्या करते हैं हम भाई, क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते हैं हम, या तो क्वेश्चन करिए आप किससे, व्हाट से क्वेश्चन करिए, या आप क्वेश्चन करिए हू से, या आप क्वेश्चन करिए हुम से। इन तीनों से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको नाउन का पता लग जाएगा। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, तो आप पहचान लोगे इसको। अब दूसरी बात देखिए, ये नंबर वन बात बताइए, ये दूसरी बात है, और ये अब तीसरी बात जो बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन जो है ना, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है हमारा, इस तरीके से लिख लीजिए, या तो नाउन आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, या आपका प्रोनाउन आएगा। तो इधर मैं प्रोनाउन लिख देता हूं, यानी इन दोनों में से ही आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों बातें, नाम क्या होता है किसी का, नेम किसी भी चीज का नाम नाउन होता है, पहचानोगे कैसे, क्वेश्चन करिए व्हाट हू हुम, और तीसरी बात नाउन जो है या तो वो सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या फिर आपका प्रोनाउन आ सकता है। इतनी बात क्लियर, अगर इतनी बात क्लियर है तो अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब यहां पर मैं एग्जांपल भी मान लीजिए, या क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिए, क्वेश्चन भी मैं साथ साथ लिख रहा हूं। मैंने बोला पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, आपको बताना है, देखिए बहुत ईजी है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं क्योंकि उधर उससे आपका
मिसमैच हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा और आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, नाउन। तो राम इज वॉकिंग इन द गार्डन या इन गार्डन, ठीक है। क्या लिखा मैंने, राम इज वॉकिंग इन गार्डन। तो आप करिए सबसे पहले तो किसी का नाम क्या होता है, नाउन होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे दे देगा, वो ऐसे करके दे सकता था, राम पहला ऑप्शन दे सकता था आपको, बताओ ये नाउन है, देखो क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा वो दे देगा ये प्रोनाउन है, तीसरा दे सकता था ये एडजेक्टिव है, और चौथा क्या है वो मान लो वर्ब दे दे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो अगर आपने सीख रखा है कि भाई ये नाउन है, मतलब आपने क्वेश्चन करो या पहचानो कैसे किसी भी चीज का नाम क्या है, नाउन है, तो आप पहचान लोगे। तो इस तरीके से चार ऑप्शन अंडरलाइन करके दे देगा, ठीक है। वो ऐसे भी दे सकता था गार्डन क्या है इसको ना देता, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस चीज को समझिए, मैं बार बार ऑप्शन नहीं लिखूंगा, लेकिन आप चीजों को समझते हुए चलिए बस। अब इसमें आपको पता है, तो देखो इसमें पहचान नहीं दिक्कत होगी आपको, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें राम इज वॉकिंग, राम क्या है, किसी का नाम है, तो आप तुरंत पहचान लोगे कि भाई राम क्या है, इसमें तो हमारा नाउन है, ठीक है। तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ये हमारा राम क्या है, नाउन है, ठीक है। दूसरा क्या है, राम इज वॉकिंग इन द गार्डन, तो गार्डन भी क्या है, एक मतलब जगह मान लीजिए, प्लेस है ना, तो नाउन तो किसी का जगह का नाम भी हो सकता है, तो गार्डन भी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपको चीजें पसंद का मतलब समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पर, दूसरा एग्जांपल और लिखता हूं मैं, इसमें बताने की कोशिश करिए, कमेंट में आपके पढ़ रहा हूं वैसे, ठीक है, काफी सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ऑफलाइन बाद में भी देख रहे हो तो आप इसको जरूर क्या करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए भाई, ठीक है। मैंने लिखा दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा राम इज टॉकिंग, राम इज टॉकिंग टू मोहन। अब देखिए ये इसमें भी नाम है तो पहचान इजी लोगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए हु इज टॉकिंग टू मोहन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, या होम टू टॉकिंग, होम से लगा के देखिए होम टू टॉकिंग, तो मोहन का आंसर आ रहा होगा। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, आप बोलोगे जी ये राम क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, इसमें क्या हो गया आपका, मोहन क्या हो गया, नाउन हो गया, क्लियर। अब तीसरा जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन होती भी है और अमूमन पूछते हैं, तो मैंने यहां पर तीसरा एग्जाम्पल चलिए इसी कलर में लिख देते हैं। मैंने लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें आप करिए, अब देखिए बहुत से जिन्होंने बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ी भाई, जीरो है, उनको भी साथ लेके चलना है, जिनको थोड़ी बहुत आती है तो वो घबराए नहीं, लेवल पे भी पहुंचेंगे, ठीक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब देखिए सभी मोस्टली जब इनसे पूछता हूं इसमें नाउन क्या होगा, तो हेल्थ को तो बता देंगे, मोस्टली बता देते हैं, लेकिन अगर वॉकिंग की बात करें तो वो इसको वर्ब में ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, आप ये करो जैसे अब यहां पर क्वेश्चन लगा के देखो, जैसे व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, क्वेश्चन करके देखो व्हाट से, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्वेश्चन का जवाब क्या आया भाई, क्या आया हमारा कि भाई वॉकिंग जो है ना वो चलना क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। तो वॉकिंग क्या हो जाएगा हमारा, इसमें नाउन हमारा हो जाएगा। अच्छा ये सब में से भी नहीं लगे, मैंने बोला क्वेश्चन से आंसर नहीं मिल रहा, तो आप खुद देखिए एक सेंटेंस में क्या होता है, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए यार, नाउन जो होगा ना या तो सब्जेक्ट के स्थान पर होता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा, तो ठीक है। तो आपको ये पता लग गया, तो हेल्थ भी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें नाउन हो जाएगा, ठीक है ना, देखो सब्जेक्ट और ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको इनसे क्वेश्चन ना मिले तो तीनों चीजें आपको करनी है, पहले पहचानोगे कैसे, पहला करके देखो क्या करना है, पहला काम जो करना है, पहला काम तो ये देखो भाई किसी का नाम तो नहीं है, नाम होगा तो पता लग जाएगा कि नेम ऑफ एनीथिंग क्या है हमारा, नाउन है। दूसरी चीज नहीं आ रही तो क्वेश्चन करके देख लो, व्हाट हु हुम से, किससे, व्हाट हु हुम से, अगर आंसर मिल जाता है आपको तो मान लीजिए मतलब पहचान लोगे कि हाँ भाई नाउन ही है, नहीं भी मिले तो पहचान लो यार सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो सकता है, या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या आ रहा है, नाउन है,
ठीक है, नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं वैसे भी इजी होगा, प्रोनाउन प्रोनाउन में हम बात करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली आपको इतनी चीजें समझ आ गई, तो इतना सा ये आपको पहचानना आना चाहिए और यहां से परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हुए भी मैंने ये आपको बता दिया, क्योंकि वो अंडरलाइन करके दे देता, वॉकिंग क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। तो अगर आप इसको पहचान पाते तो फिर आप सही करेक्ट ऑप्शन कर पाओगे, जैसे मैंने आपको लिख के देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो काम करना है ये तो हमने पहचान, ये तो हमने जान लिया कि भाई किस तरीके से हमको नाउन को पहचानना है, लेकिन अब अगर हम बात करें क्वेश्चन जो आता है ना, मतलब जो परीक्षा में क्वेश्चन जो आते हैं वो इसके अलावा नाउन के प्रकार से आते हैं, तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अब जो पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है, इस तरीके से लिख लीजिए, क्या करोगे आप, नेक्स्ट टॉपिक, ये मतलब इसी के अंदर है ये नाउन, तो मैं ऐसे लिख देता हूं टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, क्लियर, यानी हिंदी वाले भी लिख लेंगे नाउन के प्रकार। ठीक है, तो नाउन के प्रकार, तो सबसे पहले प्रकार पर आते हैं। सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या होता है जी, सबसे पहला हमारा ये होता है प्रॉपर नाम। तो अगर प्रॉपर नाम की बात करें तो कोई भी चीज प्रॉपर होगी, इतनी सी बात ध्यान रखो, तो हम इसको बोल सकते हैं पर्टिकुलरली क्या होगा, इसमें नाम होगा। तो आप इस तरीके से लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर भाई किताब वाली कहानी समझ नहीं आएगी आपके, मतलब किताब वाली स्टडी नहीं करनी है आपको, अब यहाँ पर एग्जाम क्रैक करना है आपको, तो हमें उस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नेम हो। ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात आपको क्या है इसमें ध्यान रखनी है, शॉर्ट नोट्स ही बनाइए आप भी, आपको एक एक चीज क्या हो जाएगी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, पर्टिकुलर नेम हो, तो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की आपसे बात करूं, क्या हो सकता है, जैसे पर्टिकुलर एक नाम हो गया जैसे रोहन। ठीक है, रोहन के अलावा जैसे मान लो मोहन है, ठीक है, मोहन लिख दिया मैंने, रीना लिख दिया, गीता लिख दिया, तो ध्यान ये रखो मतलब प्रॉपर यानी किसी का नाम आ जाएगा। ठीक है, एक ही की बात होगी। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा, नहीं आ रहा तो दूसरे में देखिए, दूसरा और समझिए, दूसरा क्या होता है हमारा कॉमन नाउन, दूसरा क्या है हमारा कॉमन नाम। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होता है, बस इतना से ध्यान रखो ये प्रॉपर है, यानी पर्टिकुलर एक नाम की बात होगी। अगर कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, जिसमें किसी भी ग्रुप के लिए जो है ना, तो इस तरीके से लिखिए आप, जो किसी क्लास या ग्रुप, इस तरीके से लिखिए, क्लास या ग्रुप के लिए कॉमन हो। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इसमें आप लिखना चाहो तो जेनरिक नाम भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे प्रॉपर नाउन में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट नेम होगा, एग्जैक्ट नेम भी आप लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूं वैसे ब्रैकेट में, और आपको लिखना है तो एग्जैक्ट नेम होगा इसमें। ठीक है, एग्जैक्ट नेम हो या पर्टिकुलर नेम हो, बात एक ही है वैसे। कॉमन नाउन में क्या होगा भाई, कोई भी ग्रुप होगा, किसी भी क्लास या ग्रुप के लिए कॉमन होगा, ये एक जैसे दिखेंगे आपको। कैसे दिखेंगे, देखो जैसे मैंने यहां पर रोहन की बात करी थी, तो मैं यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं तब आपको समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा गर्ल्स, ठीक है, मैंने लिख दिया जैसे, और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया स्टेट। ठीक है, तो अब खुद दोनों में अंतर करो, देखो एक एक चीज समझ आ जाएगी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। तो देखो पर्टिकुलर नेम, देखो यहां पर क्या है, बॉयज, बॉयज की बात हो रही है, तो भाई सारे बॉयज हो गए, आप मेरे को ले लो, मतलब मैं भी बॉयज हूं, तो सारे बॉय की बात हो रही है, लेकिन बॉय में अगर मैं अपना नाम लिख दूं कि भाई रोहन, तो पर्टिकुलर एक की बात कर दी, तो एक की बात हो जाएगी यानी कि प्रॉपर नाउन, और यहां पर एक कॉमन के लिए यूज करेंगे वो है, जैसे गर्ल्स, गर्ल्स का लिखा यहां पर रीना लिख दिया हमने, तो गर्ल्स की अगर हम बात करें तो सारी गर्ल्स आ जाएंगी उसमें, लेकिन एक रीना की बात कर रहा हूं, गर्ल्स में भी क्या कर रहा हूं, एक रीना की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा स्टेट की बात करूं, जैसे स्टेट में तो अब भारत में ही देख लो सारी स्टेट की बात आ जाएगी, लेकिन अगर मैं यहीं पे बात कर दूं, क्या भाई आपकी दिल्ली, ठीक है दिल्ली, ठीक है चलो भाई जयपुर ले लेना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो वैसे बात नहीं, लेकिन आप स्टेट समझिए, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है जीके नहीं, तो दिल्ली की बात होगी, तो सभी स्टेटों में मैंने एक की बात कर दी, ठीक है तो स्टेट क्या होगी हमारी, कॉमन होगी, ठीक है। तो ये होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होगी, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एग्जैक्ट नेम होगा, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है भाई, जो कॉमन होगा, सिंपल सी बात ये याद रखो, जो किसी क्लास या ग्रुप के लिए कॉमन होगा आपका, क्लियर। आगे चलते हैं, साथ साथ नोट्स जरूर बनाने आपको। तीसरे पर आगे हम, तीसरा प्रकार जो होता है, तीसरा प्रकार क्या, अभी करेंगे क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन पहले समझ लेते हैं, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंपल सा है, बस इतना से ध्यान रखो, इसको क्या कर सकते हैं हम, फील कर सकते हैं, फील ओनली, सिर्फ इसको क्या किया जा सकता है, हिंदी वाले लिख लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कांट मतलब कैन नॉट, कांट टच, या आप लिख सकते हैं कांट सी, ठीक है मतलब देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि नोट्स में ये सारी चीजें लिखी हुई भी हैं आपके, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो सी यानी कि मतलब देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, हिंदी वाले लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको देखने के बाद नोट्स भी जरूर पढ़ने हैं आपको, नहीं बना रहे हो तो, ठीक है बना रहे हो तो बोल रहा हूं तो वो भी लिख रहे होगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, फील ओनली, जो फील किया जा सकते हैं, आप फील क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, खुश हो जाओगे आप, बहुत नटखट हो, जैसे मैंने बोला लव, अब लव को क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है सिर्फ, ठीक है देखा तो नहीं जा सकता, वो बात है एक अलग है, जो आप सभी पता नहीं टैडी वैडी जो भी है वो अलग करते हो, ठीक है, लेकिन लव की अगर हम बात करें तो लव क्या किया जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है। अगर कोई आपसे हेट करता है, हेट का मतलब क्या है भाई, कोई आपसे नफरत करता है, तो नफरत को भी क्या कर सकते हो आप, फील कर सकते हो। ऐसी क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, एक और एग्जांपल लेते हैं जो मेरे दिमाग में आ जाए, हाँ ऑनेस्टी, ठीक है आप बोलोगे सर सारी मतलब बेकार बेकार से एग्जाम्पल दे दिए, एक बढ़िया भी ले लेते, तो ऑनेस्टी भी क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ फील किया जा सकता है, आप ईमानदार हो या नहीं, कितनी ईमानदारी से आप नोट्स बना रहे हो कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। बहुत बच्चे नहीं बना रहे होंगे, सिर्फ देख रहे होंगे, ठीक है। ऑनेस्टी, तो ये क्या हो गया हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाई, ठीक है इनको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। साथ साथ कोशिश कर रहा हूं कि लास्ट में ही आपको याद हो जाए। फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद आता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अच्छा मटेरियल नाउन क्या होता है भाई, मटेरियल नाउन की बात करें तो सिंपल सी एक वर्ड में लिखोगे तो रॉ मटेरियल लिख लो, ठीक है क्या होगा, रॉ मटेरियल, क्लियर। या आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह से पढ़ना है, हमें बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाकर वो है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, चलो यही ले लेते हैं, जैसे गोल्ड है ना, सिल्वर है आपका, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है ना, जैसे फर्नीचर बूट वगैरह ये सब आ जाएगा आपका, तो यहां पर फुल स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे, मटेरियल नाउन हो जाएंगे रॉ मटेरियल में, ठीक है क्लियर हुआ यहां से बात, बताओ यहां से आपकी, मैं एक बार कमेंट देख लूं कि हाँ भाई चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो आप क्या करो, अगले की भी हेडिंग लगा लो, इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा भाई, अगला जो आएगा मतलब फिफ्थ, पांच ही होते हैं, ठीक है पांचवें प्रकार पर आ जाते हैं हम। पांचवें की अगर बात करूं तो पांचवें क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अच्छा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वैसे देखो कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ग्रुप का नाम होगा, ग्रुप का नाम, ठीक है। अब ग्रुप का नाम कैसे होगा सर, ऐसे तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी, इसके एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, मैंने लिखा आर्मी, देखो आर्मी की अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं भाई, आर्मी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो खुद सोचो, देखो आप दिल्ली में रह रहे हो इस समय मुझे पता है, या फिर आप किसी गांव से इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप खुद सोचो दिल्ली या गांव से
एक एक व्यक्ति जाकर क्या है, मतलब भर्ती हुआ है आर्मी में। अब उसको तो गांव में या आप जहां भी रहते हो तो फौजी बोलते हैं, है ना, आर्मी वो लिख लेता है, लेकिन एक एक कर कर क्या है पूरी सेना बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी नाम दे देते हैं। नहीं समझ आया, दूसरा एग्जाम्पल लो। जैसे इसी तरीके से क्या बनते हैं, जैसे टीम का एग्जाम्पल लो आप, टीम। अब टीम मान लो, इंडियन टीम को मान लो भाई, अगर टीम की बात करूं तो एक की बात हो रही है, लेकिन अगर टीम में अगर हम बात करें क्रिकेट में कितने प्लेयर हैं, 11 हैं, है ना, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है आपका, या और भी है, अजय जडेजा जो भी है, ठीक है, तो सारे मिलकर क्या करते हैं, एक टीम को बनाते हैं, ठीक है। जब बहुत सारी, मान लो ये मेरे हाथ है, ये प्लेयर है भाई, ये सारे मिल गए तब बनाई इन्होंने एक टीम। अलग अलग की बात करेंगे तो अलग, तो कलेक्शन देखो सभी का हो रहा है, सारे प्लेयर मिले मतलब अलग अलग प्लेयर मिलकर क्या करा उन्होंने, एक टीम बना दी, ठीक है, तो आर्मी टीम। इसी तरीके से जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हाँ, जैसे आपने बहुत सुना होगा, इसका एग्जांपल भी काफी उसमें दिया होता है, जूरी, है ना। जूरी की अगर मैं बात करूं तो भाई ये किससे बनती है, जूरी की अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो बनती है ना, बहुत सारे किससे बनती है आपकी, जजेज से बनती है ना भाई, जजेज बैठे रहते हैं ऐसे करके, मान लो जजेज बैठे हुए हैं, उन्हीं सभी को बैठे हुए को हम क्या बोल देते हैं, जूरी बोल देते हैं। तो कलेक्शन से जो भी बने आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब इसकी तो मैंने ये बात बता दी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कलेक्टिव नाउन में, तुमने देखा होगा जैसे कि अगर हम बात करें, आपने बकेट देखा होगा ना, तो कभी कभी वो भी आ जाते हैं आपके इसके अंदर में, ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बकेट ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूलों से बना हुआ जो गुच्छा बोल देते हैं ना, सिंपल सी देसी भाषा में भी पढ़ते हुए जाएंगे क्योंकि चीजें हमें समझना है। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होता है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, जैसे भाई अंगूर होते हैं, अंगूर का गुच्छे को हम बोल देते हैं, तो इनको ध्यान रखना है, ये कलेक्शन में हमारे में आ जाते हैं। क्लियर हुआ यहां तक, होपफुली आपको, देखो अभी तक मैंने पढ़ाया सारे टाइप्स पढ़ा दिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एग्जैक्ट किसी का नाम होगा, फिर मैंने आपको पढ़ाया तो कॉमन, कॉमन क्या किसी भी ग्रुप या क्लास को कॉमन होता है हमारा ग्रुप, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मटेरियल नाउन, रॉ मटेरियल, फिर मैंने आपको बात करी है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव क्या होता है, कलेक्शन होता है ना, किसी भी ग्रुप का नाम दे देंगे कलेक्शन से जो बने हुए होते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, टाइप्स के एग्जांपल आपको होंगे, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन देखो, यहां से बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी कलेक्टिव नाउन थे, ठीक है। तो आप सभी इसी तरीके से, वैसे नोट्स आपको मिले हुए भी हैं, नहीं बनाने आ रहे तो भाई वीडियो देखकर नोट्स दोबारा मेहनत कर लेना, पढ़ लेना। तो कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो इसको ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन ही पढ़ रहे हैं अभी, कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है इसका यूज जो क्या था, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है, इसको हम क्या है दोनों तरीके से यूज करते हैं भाई, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है आपका प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा आप सिंगुलर की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन लगा लीजिए, ये क्या हो सकता है सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। अब सिंगुलर कब होगा, प्लूरल क्या होगा, वो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। तो देखिए, जब कलेक्टिव नाउन, है ना, इसी तरीके से लिखिए, जब कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप की तरह क्या करेगा भाई, तरह काम करे, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप की तरह यानी वन यूनिट की तरह काम करेगा। जैसे टीम इंडिया, तो टीम की बात हो रही है तो एक ही की बात होगी, लेकिन टीम के प्लेयर कर दिए जाए तो वो प्लूरल में बन जाएगा। अभी एग्जाम्पल दूंगा तब समझ है, लेकिन साथ साथ लिखते हुए चलो। प्लूरल की अगर मैं बात करूं, प्लूरल में क्या लिखोगे आप, प्लूरल में लिखिए जब कलेक्टिव नाउन क्या है भाई आपका, अलग अलग मेंबर की, तो इसी तरीके से याद करो आप, मैं आपको बता रहा हूं, जब क्या करोगे, जब कलेक्टिव नाउन, ठीक है, आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिए, ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन क्या करें, जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर, है ना, अलग अलग या हम कह सकते हैं इंडिविजुअली, इंडिविजुअली काम करें, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का, क्या करेंगे हम यूज करेंगे भाई, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये परीक्षा में आया हुआ किस तरीके से क्वेश्चन, अब मैं आपको बता दूं। देखो, जब ये सिंगुलर
कब होगा? जब ये एक की तरह काम करेगा। कब होगा? जब ये अलग अलग काम करेगा। इतनी सी बात याद रखो, प्लूरल कब होगा? जब ये अलग अलग की बात करेगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट करके। वीडियो को लिखकर पॉज कर लो, देने की कोशिश करो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा इसका, मैंने लिखा जैसे ये ही ठीक है सबसे बढ़िया। जुरी हैव टेकन देयर, जुरी हैव टेकन देयर डिसीजन, जुरी हैव टेकन देयर डिसीजन यूनिमेसली, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका एकजुट, एक जुट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप है ना इसका आंसर देने की कोशिश करो, मैं भी देख रहा हूं आपको कितने बच्चे सही आंसर करेंगे इसका। वेरी गुड, कुछ सही कर रहे हैं। देखो अब जिनका गलत है उनको देखना है भाई, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सली यानी कि एक ग्रुप की बात हो रही है यहां पर, एकजुट यानी कि एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर जूरी की अगर हम बात करें, जब एक ग्रुप की तरह बात कर रहे हैं तो आपको क्या है, जब कलेक्टिव नाउन क्या है, एक ग्रुप की तरह बात करें तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे हम, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, वैसे वर्ब लिख लीजिए, फर्क एक ही है, ठीक है। अगर किसी को डाउट लग रहा हो कि सर हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हो। तो भाई सबसे पहला तो एरर ये हो गया इसमें, यहां पर क्या आ जाएगा आपका सही जो करेक्ट होगा यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा आपका हैव को काटकर हम क्या कर देंगे, हैज कर देंगे, ठीक है। फिर जुरी हैज टेक देयर की जगह क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट्स, है ना। तो जुरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एकदम बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा। तो देख लीजिए जिनका सही आंसर नहीं था भाई, क्लियर क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए प्रैक्टिस भी क्वेश्चन आप साथ साथ करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके सामने, अगला लिखा मैंने दूसरा यही लेते हैं, जुरी इज डिवाइडेड इन इट्स, जुरी इज डिवाइडेड इन इट्स व्यूज, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने क्या है लिखा, जरा इसका आंसर सभी देने के लिए कोशिश करें भाई, ठीक है। अब देखो जूरी जो है ना यहां पर क्या करिए, इज डिवाइडेड इन इट्स व्यूज। अब देखो डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अलग होना, मतलब बंटवारा होना। तो यहां पर तो देखो एक ग्रुप बन रहा था, लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है, इंडिविजुअली बात होगी, अलग अलग की बात होगी। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर इसको काट कर क्या करोगे भाई, आर करोगे, क्या करोगे, आर करोगे। अच्छा इसमें देयर की जगह इट्स लगाया था, तो ये यहां से कटकर क्या हो जाएगा, यहां पर ये देयर हो जाएगा। देखो भाई किस किस को समझ आया या नहीं आया, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फिर भी आप जो है सभी कोशिश करिए समझने की भी, ठीक है, तभी चीजें बेहतर तरीके से समझ आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा आवर टीम आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू विन दिस राउंड, लिख लो भाई दिस राउंड या दिस वर्ल्ड कप, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें एरर निकालने की कोशिश करिए, देखो एरर ही देता है इंग्लिश में ज्यादातर क्वेश्चन। तो आप बोलोगे टीम क्या होगी, एक यूनिट होगी, मतलब एक की बात कर रहे हैं, तो आर न लगाकर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। ये बहुतों का सही भी है, बहुत ईजी भी है। फिर सर इज लगाया है तो हमने देखा भाई इज अगर वो लगाए तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि टीम यहां पर काम क्या कर रही है, एक ग्रुप की तरह काम कर रही है। तो क्वेश्चन भाई कलेक्टिव नाउन से इस तरीके से आपसे क्या होते हैं, बनते हैं। तो जल्दी कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है, यस यस वेल डन, इसी तरीके से मेहनत करनी है। तो अब आगे चलते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम पढ़ते हैं नाउन के क्या है, ये प्रकार पढ़ लिए, अब हम नाउन के जेंडर पढ़ते हैं भाई, ठीक है। नाउन जेंडर,
हिंदी वाले लिखेंगे लिंग बोलते हैं ना भाई, ठीक है क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाता है मैस्कुलिन, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, फेमिनिन। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका, कॉमन। और फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल, ठीक है न्यूट्रल। ये चारों में क्या करते हैं हम, मैस्कुलिन क्या होगा, मैस्कुलिन सिंपल सा है जो क्या दिखाएगा भाई, मेल सेक्स है ना, जिससे हमें पता लगेगा मेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फीमेल की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, फीमेल सेक्स, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, कॉमन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या, दोनों के गुण आपको दिखाई देंगे। अभी एग्जांपल भी दूंगा किसके, दोनों के किसके दिखाई देंगे, मैस्कुलिन भी फेमिनिन भी, यानी मेल भी दिखाई देगा फीमेल के भी गुण दिखाई देंगे, ठीक है। न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा आपको, उसका क्या कहते हैं, इसमें तो नॉन लिविंग थिंग आ जाएगी, न्यूट्रल में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात अगर आप याद रखते हो तो आपको ये चारों क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अमूमन वैसे बनते हैं, अगर ये तीनों अगर आए तो आप एलिमिनेट भी कर लोगे। तो मैस्कुलिन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैस्कुलिन में अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, जैसे एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं, कुछ याद आते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बॉयज, बॉयज लिख दिया मैंने, फादर लिख दिया, ठीक है ठीक है, ब्रदर लिख लेते हैं, मतलब कुल मिलाकर ये है जिसमें क्या है, मेल सेक्स आपको दिखाई दे, ठीक है भाई, इतना से ध्यान रखना है। अच्छा, फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में क्या हो सकता है आपका, फीमेल में क्या हो सकता है आपका, जैसे गर्ल है, यही वाले ले लेते हैं ऊपर के, है ना, तो गर्ल हो गया, जैसे आपका मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, ठीक है, ये एंड सो ऑन आपके आ जाएंगे। कॉमन में क्या होगा, कोई भी चीज दोनों बन सकती है, पहले तो ध्यान रखो, जैसे मैंने लिख दिया सबसे पहले तो यही लेते हैं, आप सभी बनने जा रहे हो, जैसे टीचर, तो टीचर भाई जेंट्स भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। इसी तरीके से आप ले सकते हो, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे क्या कह रहा था, हाँ ये आ गया याद, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर के अलावा और क्या हो सकता है, जैसे चाइल्ड ले लो भाई, है ना, बच्चा तो क्या हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, भी तो एंड ऑन चलेंगे। अच्छा, न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन में क्या होगा आपका, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है हमारी, ठीक है, क्या देंगे, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। कैसे हो जाएगी, जैसे पेन पेपर है, एग्जाम्पल सबसे फेमस है, पेन है आपका, पेपर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, क्वेश्चन को बनने से पहले आप यहीं पर इसके नीचे ध्यान ये रख लीजिए कि अगर हम बात करें क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से कॉमन वाले से बनते हैं, कॉमन जेंडर वाले से, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएंगे, और परीक्षाओं में आए हुए भी हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे भाई, मेल को प्रेफरेंस देंगे। हमें कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं, हमें जेंडर का नहीं पता चल रहा, मान लो क्या जेंडर होगा, तो हम क्या देंगे, मेल को प्रेफरेंस देंगे। तो इंग्लिश में मेल को प्रेफरेंस ज्यादा दी गई है, ठीक है, प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो मेल को क्या करोगे आप, प्रेफरेंसेस सबसे ज्यादा दोगे भाई, ठीक है। जैसे कैसे देंगे सर, देखो जैसे मैंने बोला किसी में एग्जांपल में दिया, जैसे हिज है, हर है, और क्या दे दिया आपको, मान लो उसने इट दे दिया, इट के अलावा उसने दे दिया मान लो देयर दे दिया, ठीक है। तो अब ये बताओ किसको प्रेफरेंसेस दोगे, तो आप हिज को प्रेफरेंसेस ज्यादा दोगे। बोलो क्लियर हुई ये बातें, ठीक है। तो इस चीज को क्या करना है आपको, बहुत अच्छे से समझ लेना है भाई। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, तो फटाफट से यहां से क्वेश्चन आते हैं और आए हुए भी हैं। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा आपके सामने, फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, अ टीचर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग के बाद अब यहां पर एरर दे देगा, पहचानना है आपको, अमंग इट्स, या चलिए इस तरीके से लिखता हूं, इट्स हर
हर तो लिख दिया हिज। अ टीचर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स हर हिज और क्या हो सकता है देयर देयर स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको एरर बताना है। अब देखिए टीचर है, सबसे पहले तो आपको पहचानना है जी, टीचर कॉमन है ना भाई, कॉमन है, बोथ है। देखो टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी, कोई भी हो सकता है, यानी मेल के भी, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब आपको पहचानना है कि आप किसको प्रेफरेंसेस दोगे, यहां पर ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे सर हम क्या देंगे, हमें नहीं पता यहां पर मतलब मैडम है या सर है, है ना, यानी मेल है मतलब मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम फिर भी हिज को क्या करेंगे, प्रेफरेंसेस देंगे। तो हिज वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही एकदम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और लिख रहा हूं मैं, इसका आंसर देना। जैसे मैंने लिखा अ डॉक्टर शुड, अ डॉक्टर शुड ट्रीट हर इट्स देयर या हिज His patients, patients नहीं patient, equally, ठीक है, ये दे दिया। अब डॉक्टर क्या हो सकता है भाई, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब बताओ इसमें एरर क्या होगा। तो आपको पता है भाई, जब हमने क्या पढ़ा है कि जब हमारे में हमें ना पता हो, कॉमन जेंडर में हमें नहीं पता मेल है फीमेल है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हम मेल को प्रेफरेंसेस देते हैं। तो हम यहां पर किसको देंगे, हम बोलेंगे ये हिज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई, होपफुली इतनी चीजें आपको समझ आ गई। एक बार देख लेता हूं आपके कमेंट भी, थोड़ी सी बस बची है क्लास, फिर खत्म करेंगे। ठीक है, तो होपफुली देखो यहां से बन जाते हैं। मैंने आपको एक एक चीज से ये भी बता रहा हूं क्वेश्चन किससे आए हुए हैं, और ये आए हुए हैं ये मान लो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो आगे एक और कंसेप्ट बचा हुआ है। ठीक है, फिर क्लास हम मतलब खत्म करेंगे अपनी। तो ये क्या हो गया, एक सेकेंड भाई, ये सारा नीचे आ गया। चलिए हम कॉमन पे यहीं पे थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जो आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं वो आए हुए हैं नाउन के नंबर से। तो अब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, नाउन नंबर। ठीक है, नाउन नंबर जो है वो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन यहां से आता है। तो नाउन नंबर में आपको पता चल गया भाई, क्या पता चल गया आपको, पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको, जो हम पढ़ ही रहे हैं। क्या हो सकता है भाई, नाउन नंबर में बात करें तो नाउन क्या हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है, या क्या हो सकता है आपका, प्लूरल हो सकता है। ठीक है, नाउन क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल होता है। अब इनको भी क्या करते हैं, हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या होते हैं हमारे काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर, या तो काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो यहां पर जो है बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं यहां पर इसको ऊपर कर देता हूं। ठीक है, और इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस जो है साथ साथ समझ आ जाए। देखो सबसे पहले मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये काउंटेबल नाउन है क्या। देखो काउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करूं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, तो आपको इतना पता होना चाहिए काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको गिना जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, काउंटिंग की जा सके, काउंटिंग की जा सके। ठीक है, अब की जा सके कैसे भाई, आप काउंट कर सकते हो, वन है या टू है, थ्री फोर फाइव, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये क्या है हमारा एक की बात होगी, तो हम यूज क्या करेंगे भाई, सिंगुलर। सिंगुलर क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम। ठीक है, वो सिंगुलर कहलाएगा, यानी एक की बात होगी तो काउंटेबल, यानी काउंट करके एक मिला। जैसे आप मुझे काउंट कर सकते हो ना, बॉय हूं मैं, ठीक है, आपके सामने, तो भाई मैं एक ही हूं, तो आप क्या यूज करोगे, मतलब मैं सिंगुलर, सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करोगे। अगर मैंने दूसरी बात करी भाई, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, तो अगर मैंने बोला दो तीन या चार है, तो ये क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो भाई यहां पर आप क्या यूज करोगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। या हम ये कह सकते हैं काउंटेबल नाउन क्या होते हैं आपके, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, इनका
प्लूरल बनाया जा सकता है, अनकाउंटेबल का नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इनके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, अभी क्वेश्चन ही बनाऊंगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट्स है ना, जैसे मैंने लिखा बॉयज, ध्यान रखना बॉयज लिखा है, बॉय नहीं करा मैंने, गर्ल्स, इनका ध्यान रखना, यानी कि इनका प्लूरल बन सकता है। भाई देखो जैसे कैसे बन सकता है काउंटेबल नाउन का, जैसे बॉय, मैंने काउंट कर लिया एक बॉय है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बॉयज भी बना सकते हैं, यानी प्लूरल भी बन गया हमारा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन नहीं बनेगा। तो आपको ये समझ आ गया, तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बाकी क्वेश्चन में आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। अनकाउंटेबल नाउन क्या होंगे भाई, काउंटेबल नाउन की क्या गिनती की जा सकती है, तो अनकाउंटेबल क्या होंगे, काउंटिंग नहीं की जा सकती, अपनी भाषा में ही लिख लेते हैं, काउंटिंग नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जब काउंटिंग नहीं की जा सकती, जैसे यही है 1 2 3 मैंने लिख दिया, तो ये काउंट नहीं किए जा सकते, तो आपको याद रखना है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब जब ये सिंगुलर होते हैं तो भाई हम यूज क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फर्नीचर ले लीजिए आप, है ना, फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते, रुपीज है, या फिर मैंने लिख दिया जो मोस्ट कॉमन है, आपने सुना भी होगा, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर है, और क्या है आपका, जैसे राइज है, ठीक है, राइज है, ठीक है। पर इसमें ध्यान रखना है, जो भी हमने पढ़ा है अब तक, एक एब्स्ट्रैक्ट राउंड पढ़ा, क्योंकि फर्नीचर की बात करी थी मैंने, और एक मटेरियल नाउन, ये दोनों भी क्या है, अनकाउंटेबल के अंदर ही आते हैं, इनको बस इतना से ध्यान रखना। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिसको काउंट ना किया जा सके, हमेशा क्या रहेंगे भाई, सिंगुलर रहते हैं। एग्जांपल है जैसे वाटर है, ये है ना, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। इस चीज को भी विशेषकर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कन्फर्म इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैंने इसका बताया ना, जैसे बॉय है, तो इसका क्या हो जाएगा, बॉयज। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था हमारा, लव, तो लव इज ब्लाइंड ही तो बोलते हैं आप, लव आर ब्लाइंड थोड़ी बोलते हो, ठीक है, इसी तरीके से है ना। जैसे वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर हेल्थ, तो इज लगा रहे हो वहां पर, आर नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो याद रखना। फिर लव का तो मान लो ये लव ही है, तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है, बोल के भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो होपफुली ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, अगर समझ जा चुकी है तो मैं क्या करता हूँ, अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इनके आंसर आपको खुद बताने हैं, ठीक है, इसके बेस पर ही, और फिर आज की क्लास हमारी कल, बाकी बचा हुआ हम कल करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। एक ये लिखा, जब तक आंसर करने की कोशिश करिए आप, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। दूसरा मैंने लिखा रोहन has decided to buy 500 bricks from Delhi। ये दोनों है, दोनों में error find out करने की कोशिश करूं कि error क्या होता है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिख देता हूँ, जब तक आप इसे याद रखिए, मेरे को माइंड में आ गई है ये चीज़, और लिख लीजिए आप, जब मटेरियल नाउन का काम करे है ना, तभी सिंगुलर रखना, केवल तभी क्या रखना है, सिंगुलर रखना है। अभी समझा दूंगा ये क्या लिखा है मैंने, रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और लाइन लिख लीजिए, नो एरर, है ना, कुछ का आंसर होगा कि सर इसमें एरर ही नहीं है, तो ये भी आपका सही हो सकता है भाई, ठीक है। तो देखो, जब मटेरियल नाउन का काम करे, तो केवल तभी क्या रहेगा आपका, सिंगुलर रहेगा। तो देखिए, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स स्टोन, हमने क्या पढ़ा था भाई, के अगर हम बात करें तो आपका वैसे अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर तुम देखोगे मटेरियल नाउन किसमें था हमारा, अनकाउंटेबल नाउन में था। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये ब्रिक्स, यानी हमने क्या कर दिया, ब्रिक का ब्रिक्स कर दिया, तो ये सबसे पहले तो प्लूरल हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, एरर हो गया। दूसरे में देखो, रोहन हैज डिसाइडेड टू बाय
मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको पता रहे, ये क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन हो गया, और ऊपर आप देखोगे मटेरियल नाउन है, इजीली यहां पर एरर हो गया। मटेरियल नाउन क्या है, ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा ठीक है, फिर रोहन हैज डिसाइडेड टू बाय ब्रिक्स, तो जब मटेरियल नाउन का काम करे, तो भाई मटेरियल को खरीदने की बात कर रहे हैं, तो तभी क्या करेंगे हम सिंगुलर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, बिल्कुल भी क्या होगा वो कोई भी एरर हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को क्या करना है आपको अच्छे से समझना है, होपफुली आज की क्लास आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अब तक का आप रिवीजन करिए, अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को 2x की स्पीड पर आप दोबारा देखने की कोशिश करिए, आपको एक एक चीज दोबारा से समझ आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।